खबर कलनार से आ रही है, जहां पर सीएम खट्टर पंचायत भवन से रेलवे अंडरपास का उद्घाटन करेंगे। 1,80,00,000 की लागत से रेलवे अंडरपास बना है, जिसका उद्घाटन आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। इससे काफी सहूलियत होगी। 1,80,00,000 की लागत से बना है रेलवे अंडरपास। पंचायत भवन से रेलवे अंडरपास का उद्घाटन आज, लोगों के लिए खासी सुविधा होगी। पंचायत भवन पहुंचने के लिए जो उनको घूमना पड़ता था, जो एक लंबा दायरा उन्हें तय करना पड़ता था, अब वो जल्द पहुंच जाएंगे। मुख्यमंत्री पहुंचे उद्घाटन करने के लिए। पंचायत भवन से रेलवे अंडरपास का उद्घाटन आज। खट्टर सरकार का ये दूसरा कार्यकाल और तमाम विकास कार्य पूरे हो रहे हैं, उनका उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री, एक अहम मांग करनाल में थी पंचायत भवन से रेलवे अंडरपास की, वो काम पूरा हो चुका है, उसका उद्घाटन आज। 1,80,00,000 की लागत से बना हुआ है रेलवे अंडरपास। विकास महला हमारे सहयोगी फोन लाइन पर। विकास, ये बड़ी सौगात करनाल के लोगों को। जी पूजा, मार्गों दादी के हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर 2 बजे के लगभग करनाल पहुंचेंगे और इसके बाद यहां पर जन समस्याएं पंचायत भवन में लोगों से रूबरू होंगे। हालांकि जो चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री का यह दूसरा दौरा करनाल का होगा, जहां करनाल पहुंचेंगे और पंचायत भवन में आज जन समस्याएं हैं लोगों की वो सुनेंगे और उसके बाद जो करनाल की जो उद्घाटनों की जो पहले उद्घाटन होने थे वो काफी लंबे समय से चले आ रहे थे, उनको जो उद्घाटन आज पंचायत भवन से ही किए जाएंगे, जिसमें लगभग 1,80,00,000 की लागत से बनने वाला अंडरपास होगा और अंबाला रेलवे ट्रैक पर, गोगड़ीपुर रेलवे पर जो नजदीक बनाया अंडरपास था उसका भी उद्घाटन वहां पर किया जाएगा। जी, ये जो रेलवे अंडरपास बना है विकास, इसकी क्या खासियत है और सुविधाएं कितनी मिलेंगी लोगों को? जी पूजा, जैसे कि पिछले लगभग 40 सालों से पुरानी मांग थी करनाल की, जो काफी बड़ी समस्या थी जो पुराने समय से चली आ रही थी, इसे बनने से क्योंकि जो रेलवे लाइन थी उसकी वजह से करनाल 2 भागों में जरूर कट गया था, लेकिन जो ये अंडरपास है और जो बनाया जाएगा जिसके बाद जो स्कूटर से जो लोकल वाहन है छोटे, उनको आने जाने में अपने करनाल की कनेक्टिविटी में जो काफी सुविधा जरूर होगी। जी चलिए, शुक्रिया विकास महला इस खबर पर जानकारी देने के लिए। 2 बजे पहुंचेंगे वहां पर मुख्यमंत्री, आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया।